फेजेस को, दो सामने सामने के फेजेस को हमने अलग अलग टेम्परेचर्स पे रखा है. दिस इज टी वन, दिस इज टी टू. बोल रही हूँ टी वन इज ग्रेटर देन टी टू. सो व्हाट वाज ऑब्जर्व कि जो भी क्यू, जो भी हीट, अब आपको पता है कि टेम्परेचर डिफरेंस है तो यहाँ से हीट रेडिएशन होगा. हीट विल पास फ्रॉम टी वन टू टी टू, हीट फ्लो होगा. सो व्हाट वाज ऑब्जर्व कि जो हीट फ्लो हो रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर फेस. क्यू वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, जितने टाइम के लिए जा रहा है. क्यू वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ. एंड क्यू वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स टू योर डिस्टेंस बिटवीन द टू फेजेस, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फेजेस. ओके, सो वी गॉट द रिलेशन एज क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू टी इंटू टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई एक्स. प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल कर हमने कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस किया था, विच वॉज के ए इंटू टी टी वन माइनस टी टू बाय एक्स. नाउ दिस के इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको एक और नाम दिया जाता है. व्हाट इट इज नोन एज थर्मल, थर्मल व्हाट इट इज नोन एज कंडक्टिविटी, के थर्मल इज कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी. जैसे कि मैंने आपको कंडक्टिविटी के बारे में समझाया था कि अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है हाउ मच अ मेटल और अ मटेरियल इज अलाउइंग द करंट टू फ्लो थ्रू इट. सो थर्मल कंडक्टिविटी इज हाउ मच अ मटेरियल इज अलाउइंग द हीट टू फ्लो थ्रू इट. कितना कोई मटेरियल अपने अंदर से हीट को फ्लो होने दे रहा है, दैट डिफाइंस द थर्मल कंडक्टिविटी. अगर वो ज्यादा हीट फ्लो होने दे रहा है इट इज अ गुड कंडक्टर, अगर वो हीट फ्लो होने ही नहीं दे रहा है इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. समझ में आया? इसको हमने डिफाइन करने का एक बेसिक तरीका देखा था. हमने कहा था कि हम एक यूनिट, ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ये जो के है, ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है. मतलब जब आप सामान खरीदने जाते हो और अगर आपको पता करना है कि इट इज अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, तो आप उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू को देखते हो. मतलब उसका एक यूनिट कंडीशन कितना हीट अलाउ कर रहा है. अगर इसका एक यूनिट कंडीशन अच्छा हीट अलाउ कर रहा है, इसका मतलब पूरा मटेरियल का कंडक्टेंस विल बी वेरी गुड. सो ये चीज मैंने आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच के हेल्प से समझाई थी कि रेजिस्टिविटी एक यूनिट कंडीशन का रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस पूरी बॉडी का अपोजिशन होता है. सो रेजिस्टिविटी, मैंने आपको यही चीज रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के रिलेशन से समझाई थी कि रेजिस्टिविटी एक सिंगल पर्सन के अपोज करने की प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जाम्पल मैंने कंगना रनौत का एग्जाम्पल लिया था कि इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दैट गर्ल, तो उसका सिंगल अपोजिशन जो है, तो सिंगल कितना अपोज कर रही है, दैट डिफाइंस द रेजिस्टिविटी. उसको कितने लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, दैट डिफाइंस द रेजिस्टेंस. सो टोटल इज द रेजिस्टेंस. और एक सिंगल, एक यूनिट का कंडीशन का रेजिस्टेंस या एक यूनिट कंडीशन का अपोजिशन इज योर रेजिस्टिविटी. समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? सो रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो एन अपोजिशन ओनली, इट इज एन रेजिस्टेंस ओनली बट ऑफ सिंगल कंडीशन. एक सिंगल यूनिट का जो अपोजिशन का प्रॉपर्टी है, जो रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी है, दैट इज रेजिस्टिविटी. और जो टोटल है, दैट इज योर रेजिस्टेंस. तो मैंने आपको कहा था कि अगर एक मैं बड़ा सा वायर लेती हूँ कॉपर का और उसको मैं दो टुकड़ों में काट दूं, इफ आई ब्रेक इट इनटू टू पीसेस, तो मैंने आपको क्वेश्चन किया था कि इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है या रेजिस्टिविटी चेंज होती है. रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टिविटी रिमेंस कॉन्स्टेंट, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो एक एक सिंगल सिंगल यूनिट की प्रॉपर्टी है. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है. यहाँ पर अगर कुछ लोग इसको सपोर्ट ना करें तो इसका रेजिस्टेंस भले कम हो गया बट उसकी खुद की अपोज करने की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. समझ में आ रहा है? यस यस. तो वैसे ही थर्मल कंडक्टिविटी आपको अगर डिफाइन करना है, तो अगर एक यूनिट प्रॉपर्टी कितना हीट फ्लो अलाउ कर रही है, अगर वो पता चल जाए तो मुझे पूरा मटेरियल का कंडक्टेंस पता चल जाएगा उसके साइज और उसके शेप और उसके एरिया और उसके टाइम के हिसाब से. ओके, सो थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करने का तरीका है कि जब हमारा सरफेस, जो सरफेस के लिए हम बात कर रहे हैं, उसका एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, वो दोनों फेसेस अगर 1 मीटर पे रखे हुए हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर, जिस टाइम के लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इज 1 सेकेंड, और दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस, तो आपका जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, एक यूनिट कंडीशन के अमाउंट ऑफ हीट फ्लो के बारे में बताता है कि एक पर्टिकुलर ये कंडीशन में आपका मटेरियल कितना हीट फ्लो अलाउ कर रहा है.
अगर इस यूनिट कंडीशन में आपका हीट फ्लो ज्यादा है, मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा है। अगर आपका हीट फ्लो कम है इस यूनिट कंडीशन में एक सिंगल यूनिट के बारे में, तो मतलब कंडक्टिविटी कम है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? समझा होता है सर? सो यूनिट कंडीशन में मटेरियल की प्रॉपर्टी पता चलती है कि वो अकेले कितना ताकतवर है। बड़ा अगर साइज लोगे तो ओवरऑल आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, बट अगर एक यूनिट कंडीशन लोगे तो उसकी खुद की, उसके अकेले की कितनी ताकत है, ये चीज पता चलती है। उसके साथ फिर आप और बड़ा साइज ले लो, बड़ा एरिया ले लो, तो उस हिसाब से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, उसका कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। बट उसके अकेले की क्या ताकत है, दैट डिफाइंस दिस कंडीशन एंड दैट डिफाइंस द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा? यस यस गाइस। सो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी is defined as amount of heat flow in a material or quantity of heat flow in a material that flows when the observation is for 1 second, the area of the phase is 1 meter square, it is kept, two areas are kept at a distance of 1 meter, and the temperature difference between those two phases will be 1 degree Celsius. Samajh mein aaya? Yes. Samjha? Yes. Yes. Okay. Now, next part is वापस से मैं उसको earlier form में लिखती हूँ, Q into A into T1 minus T2 into T by X. ठीक है? Now मैंने आपको बोला था कि ये T को हम जरा नीचे ले लेते हैं. So Q by T is equals to K into A into T1 minus T2 by X. Q by T, heat energy by time, क्या होता है? Power. What is heat energy by time? Power of the conductor. So, power of the conductor is equals to K into A into T1 minus T2 by X. Okay. Now, this is also written as. P क्या है? P means power of a conductor. Okay, ma'am. P con is power of a conductor. Okay. Next is, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ. If I want to write it in the derivative form, Q by T is equals to K A T1 minus T2 by X. अब taking derivative on both the sides, it becomes dQ by dt, means Q is changing with respect to time, K into A dt, that is change in temperature with respect to length, dt by dx. So dq by dt is equals to k into a dt by dx. This can be written like this. Okay. और मैं thermal conductivity का एक और definition define कर सकती हूँ. अगर मैं ये दोनों चीजों को नीचे ले आऊँ, dq by dt, the whole divided by a into dt by dx. और आपका dt by dx क्या था, याद है आपको? थर्मल कंडक्टिविटी का एक और डेफिनेशन यहाँ से हमको मिलता है. थर्मल कंडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट. कितना टेम्परेचर ग्रेडियंट है और पर यूनिट एरिया हाउ मच हीट इज फ्लोइंग, हाउ मच इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, दैट डिफाइंस द थर्मल कंडक्टिविटी. कि कितना अमाउंट ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है यूनिट एरिया यूनिट टेम्परेचर अपर यूनिट टेम्परेचर वर्ड यूज करना बेटर होगा. सो थर्मल कंडक्टिविटी करने का एक और क्वेश्चन है दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट यूनिट एक पर्टिकुलर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए एक पर्टिकुलर एरिया से कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो रहा है तो डिफाइंस द थर्मल कंडक्टिविटी. अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट अच्छा है मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. मैम ब्रेक हो रहा है. मैम बहुत ब्रेक हो रहा है. हेलो ठीक है ठीक है आवाज आ रही है? यस आवाज आ रही है. बहुत ब्रेक हो रहा है. क्या हो रहा है? अभी भी हो रहा है? नो मैम नो नो मैम जरा धीरे-धीरे बोलो.
है दैट इज योर इट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट. इस तरीके से भी थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन किया जाता है. अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा है तो कंडक्टिविटी अच्छी है. अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट कम है, स्लोली स्लोली फ्लो हो रहा है हीट, मीन्स उसका कंडक्टिविटी अच्छा नहीं है. समझ में आया मैंने क्या समझाया? समझा आपको? क्लियर हुआ गाइस? मैम रिपीट करो ना. क्या नहीं समझ रहा है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एक यूनिट एरिया से एक यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए अगर ज्यादा है, मतलब हीट फ्लो फटाफट हो रहा है, इसका मतलब आपका मटेरियल गुड कंडक्टर है, फटाफट अपने अंदर से हीट फ्लो होने दे रहा है. अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट कम है, मतलब वो अपने अंदर से स्लोली स्लोली हीट को पास कर रहा है एक यूनिट एरिया से और एक यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए, तो आपका थर्मल कंडक्टिविटी लो है. दैट्स ऑल. मीन ज्यादा है या कम है कैसे पता चलेगा? बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यूज. बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यूज आपके पास सी आपके आपने अभी देखा ना फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू K इनटू T1 माइनस T2 इनटू T बाय X. डिस्टेंस आप 1 मीटर रख लो, एरिया आप मटेरियल का 1 मीटर स्क्वायर रखो, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस, दो फेजेस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस रखो और 1 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करो, तो आपको जो Q का अमाउंट है वो कितना फ्लो हो रहा है वहां से वहां तक में वो आपको मिल जाएगा. अगर वो मटेरियल अच्छा क्यू का अमाउंट फ्लो कर रहा है तो उसका कंडक्टिविटी इज गुड. अगर वो क्यू का अमाउंट कम फ्लो कर रहा है उसका कंडक्टिविटी इज बैड, मतलब वो अपने अंदर से अपने बॉडी में से हीट आराम से फ्लो नहीं होने दे रहा है. दैट्स ऑल. इसीलिए तो ये सारी यूनिट कंडीशंस रखी है कि हमको वैल्यू मिल जाए कि जो भी क्यू अमाउंट हम लोग फ्लो कर रहे हैं वो इजिली फ्लो हो रहा है या स्लोली स्लोली फ्लो हो रहा है. मैंने यहाँ से जूल देना, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, मेरे को मैंने यहाँ से जो भी टेम्परेचर डिफरेंस मेरे को एक एक्सपीरियंस करना है कि कितना अमाउंट ऑफ क्यू फ्लो होता है फ्रॉम फॉर सी. सिंपल सा फंडा है, टी वन माइनस टी टू पे मैंने दो टेम्परेचर डिफरेंस पे मैंने रखा है. अगर फटाफट फटाफट दोनों स्टेबल हो गए, मतलब वो आराम से फटाफट क्यू को पास कर रहा है. अगर टी वन माइनस टी टू फटाफट फटाफट दोनों टेम्परेचर सेम नहीं हुए, मतलब वो क्यू का अमाउंट को स्लोली स्लोली पास कर रहा है. दैट्स ऑल. ये आपका ऑब्जर्वेशन था, दिस इज ऑब्जर्वेशन कि अगर वो Q का अमाउंट फटाफट फ्लो कर रहा है मींस उसकी कंडक्टिविटी इज गुड, फटाक से आपका मटेरियल जो 1 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस पे है दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, मतलब Q का अमाउंट फटाफट फ्लो हो रहा है, इसकी कंडक्टिविटी इज हाई. समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? समझा व्हाट आई सेड? यस. तो कितना Q का अमाउंट वो पास आउट कर रहा है वो आपको पहली बात तो यहाँ से मिल जाएगा. आपको कंडक्टिविटी की वैल्यू, आप लोग को वो मटेरियल की कंडक्टिविटी दे दी जाएगी, आपको एरिया पता होगा, आपको टेम्परेचर डिफरेंस पता होगा, आपको टाइम कितने टाइम के लिए आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो वो आपको पता होगा, दोनों सर्फेसेस के बीच का डिस्टेंस आपको पता होगा, तो आपको कितना क्यू पास हुआ है उन दोनों सर्फेसेस में फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशंस आपको पता चल जाएगा बाय कैलकुलेटिंग विद दिस वैल्यू. और मशीन्स तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की मशीन्स एंड कोडिंग्स आर अवेलेबल, वो खुद कितना हीट फ्लो हुआ है वो मेजर कर लेते हैं खुद से. तो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और आपका टेक्नोलॉजी का वैल्यू मैच हो गया, मींस योर एक्सपेरिमेंट इज गोइंग करेक्ट. अगर वो ज्यादा क्यू फ्लो कर रहा है, मतलब मटेरियल की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रहा है, उसकी खुद की यूनिट की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है. इसलिए मैंने कहा कि हमने जो ये कंडक्टिविटी पढ़ा, ये कंडक्टिविटी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये यूनिट कंडीशन की प्रॉपर्टी है. इट इज अ कंडीशन ऑफ यूनिट प्रॉपर्टी. मीन्स अगर मुझे कंडक्टिविटी ही ना पता हो, मुझे उसके अकेले की ताकत ना पता हो, तो फिर इसीलिए तो हमने ये चीज ऐसे डिफाइन की ना. हमने के टर्म्स में भी तो डिफाइन किया, अगर मुझे के कैलकुलेट करना है किसी की कंडक्टिविटी निकालने की, उसकी ताकत क्या है, तो मैं क्या करूंगी, व्हाट आई विल डू, मैं एरिया 1 मीटर रखूंगी, 1 मीटर स्क्वायर, दो फेजेस का, उसका टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस लिखूंगी, टाइम इतना रखूंगी और एक्स इतना रखूंगी. अगर जब जब टेम्परेचर डिफरेंस मैंने रखा, टेम्परेचर डिफरेंस रखने के बाद ये जो क्यू फ्लो हो रहा है, द अमाउंट ऑफ क्यू विच इज फ्लोइंग, आई विल ट्राई टू मेजर दैट. अगर वो फटाफट क्यू फ्लो कर रहा है, ज्यादा अमाउंट ऑफ क्यू फ्लो कर रहा है, इट मीन्स दैट इट इज अ गुड कंडक्टर. अगर वो ज्यादा अमाउंट ऑफ क्यू फ्लो नहीं कर रहा है, बहुत आराम से या बहुत स्लो क्यू को अलाउ कर रहा है अपने अंदर से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए,
means it is not a good conductor of a heat. समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? ये हीट क्यों मैम, ये हीट कहाँ से फ्लो होगा? टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट तो फ्लो होना ही है. अगर फटाफट ज्यादा अमाउंट में क्यों फ्लो हो गया और टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, बैलेंस कर दिया, मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर. अगर आराम से बहुत स्लोली टेम्परेचर आपका क्यू पास हो रहा है और जल्दी ये टी1 और टी2 बैलेंस नहीं हो रहे हैं, या एक सेकेंड में आपका टी1 और टी2 बैलेंस नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका क्यू बहुत स्लोली फ्लो हो रहा है, इट इज अ बैड कंडक्टर. तो इसीलिए तो हमने थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करने का एक और तरीका निकाला, दैट इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, दैट इज फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम. हम फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम देखेंगे इन अ यूनिट एरिया एंड फॉर अ यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट. मतलब इस कंडीशन पे हम देखेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ क्यू पर यूनिट टाइम में पास हो रहा है. अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ क्यू पर यूनिट टाइम में पास हो रहा है और फटाफट टेम्परेचर दोनों साइड के बैलेंस हो रहा है, मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर. अगर फटाफट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट नहीं हो रहा है पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए, मींस माय मटेरियल इज नॉट अ गुड कंडक्टर. समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा? यस यस. बाकियों को समझा मैं क्या बोल रही हूँ? यस. ये चीज समझ पाना आप लोगों के लिए, क्योंकि इट इज ऑल रिलेटेड टू हीट एनर्जी, इसलिए शायद आप लोगों को समझने में टफ पड़ रहा है. पर ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको करंट समझा है तो आपको ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से करंट का कंसेप्ट चलता है उसी तरीके से हीट का कंसेप्ट चलता है. तो मैं सिंपली आपको ये बोल रही हूँ कि आपको अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी निकालनी है तो आप उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट देखो पर यूनिट टाइम में, कितना हीट फ्लो वो कर रहा है एक यूनिट टाइम में फॉर अ गिवन कंडीशन ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर. एक एरिया लिया है 1 मीटर स्क्वायर का और टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस इन अ यूनिट लेंथ 1 डिग्री सेल्सियस का लिया है. तो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस रखने के बाद एक यूनिट एरिया से कितना अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है. अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है, मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर. अगर कम अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है, मीन्स इट इज अ बैड कंडक्टर. दैट्स ऑल. समझ में आया? समझा? Yes. Yes. तो इसीलिए थर्मल कंडक्टिविटी के हमने दो डेफिनेशन डिफाइन किए हैं. वी हैव डिफाइंड टू डेफिनेशन और दोनों का मीनिंग एक ही है. First definition was amount of thermal conductivity is defined as कितना amount of heat flow हो रहा है for 1 second. एक second में कितना amount of heat किसी substance ने अपने अंदर से flow किया है. Amount of heat flowing for 1 second from 1 meter square area surfaces which is kept at 1 meter away from each other and have a temperature difference of 1 degree Celsius. दो surfaces के बीच में temperature difference 1 degree Celsius रखा है, उनको 1 meter के distance पे रखा है. एक सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ हीट वो पर्टिकुलर सरफेस कर रहा है अपने 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, दैट गिव्स मी द कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल. या फिर दूसरा तरीका हमने डिफाइन किया dQ/dt, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट. और टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब ये होता है टेम्परेचर इन अ यूनिट डिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस इन अ यूनिट डिस्टेंस. सो thermal conductivity is defined as amount of heat flowing in a unit time for per unit area and per unit temperature difference, or sorry, per unit temperature gradient. Or temperature gradient ka matlab ye hota hai temperature difference in a unit length. Zyada heat flow ho raha hai, k ka value zyada hai, matlab ek unit time mein ek unit area se jab humne us unit area ko 1 degree उस यूनिट एरिया को 1 degree per meter के टेम्परेचर ग्रेडियंट पे रखा है, सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इन अ यूनिट टाइम. दिस इज हाउ योर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड. दैट्स ऑल. क्यू ज्यादा फ्लो हो रहा है, सिंपल सा फंडा है, करंट ज्यादा फ्लो होता है, Q/T ज्यादा फ्लो होता है तो आप उसको गुड कंडक्टर बोलते हो. अगर यही Q/T कम फ्लो होता है तो आप उसको क्या बोलते हो? व्हाट इज बैड कंडक्टर. बैड कंडक्टर. सेम कंडीशन है. This is the same condition.
दैट अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम था, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम फ्रॉम अ यूनिट एरिया विद अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस एंड दैट यूनिट एरिया इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, देन यू कैन डिफाइन द टेम्परेचर सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी. ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है यूनिट एरिया से और यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर. कम हीट फ्लो हो रहा है यूनिट एरिया से 1 यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए मीन्स इट इज अ बैड कंडक्टर. समझ में आया? थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट कंडीशन के बारे में बताती है और जो कंडक्टेंस होता है वो पूरे मटेरियल के बारे में बताता है. तो अगर आपको कंडक्टिविटी एक सिंगल की ताकत पता चल जाए तो आपको ओवरऑल की ताकत आप सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो कि आपने कितना बड़ा एरिया लिया है, आपने कितना बड़ा कितने टाइम के लिए आपने देखा है, कितना टेम्परेचर डिफरेंस लिया है, उस हिसाब वो कंडीशंस लेके आप बाकियों का निकाल सकते हो कि टोटल कितना होगा. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था? मैं अगर हीट ज्यादा रहेगा और जल्दी फ्लो कर रहा है तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? सी, अगर हीट ज्यादा है और वो जल्दी जल्दी फ्लो हो रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी फ्लो हो रहा है इन द सेंस देखो कंडीशन कैसा है. यहाँ पे देखो अब Q का अमाउंट इज हाई, ठीक है. अब यहाँ पर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये Q लिया, ये समझो पहले कि अगर समझो कि ज्यादा टाइम तक हीट रेडिएशन हो रहा है, बहुत टाइम तक हीट रेडिएशन हो रहा है, मतलब वहां पर Q के अमाउंट क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q अमाउंट. अब बहुत टाइम तक आप हीट रेडिएशन हाई देख रहे हो, कंटिन्यूसली आप एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ हीट रेडिएशन देख रहे हो और एक घंटे देखा आपने बहुत ज्यादा हीट फ्लो हो रहा है, वही अमाउंट दूसरे घंटे में भी हो रहा है, तीसरे घंटे में भी हो रहा है, मतलब कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होता जा रहा है. तो आप अगर ज्यादा देर के ऑब्जर्वेशन में आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्यू का अमाउंट कम ही नहीं हो रहा है, नॉर्मली मटेरियल में क्या होता है, आपने हीट फ्लो किया और फटाक से वो हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो गया, दूसरी जगह हीट कम हो गया, मतलब ये है कि उसके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट नहीं है. पर आप जितने आपने एक घंटा देखा, दो घंटा देखा, कंटिन्यूसली जो है वो क्यू का वैल्यू फ्लो ही होता जा रहा है, मींस क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है क्यू का अमाउंट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है. इट मींस दिस इज व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग, मींस इट इज अ गुड कंडक्टर. ये कंटिन्यूसली अपने अंदर से हीट फ्लो होने दे रहा है टाइम के साथ, टाइम के साथ इसका हीट लॉस नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है. समझ में आया व्हाट आई सेड? यस. समझा? सो ये क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, दिस सिंपली एक्सप्लेन्स दिस कि टाइम के साथ जो क्यू की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं हो रहा है कि धीरे 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 क्यू की वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है. ऐसा नहीं हो रहा है कि क्योंकि क्यू इज एन एनर्जी, गाइस क्यू इज एन एनर्जी. अगर टाइम के साथ क्यू की वैल्यू कम होती जाती है, इसका मतलब ये कि आपका मटेरियल जो है वो क्यू की वैल्यू को डिसिपेट कर रहा है, खत्म कर रहा है. तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि क्यू की वैल्यू कंटिन्यूसली टाइम के साथ बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है, लॉस नहीं हो रहा है, मींस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? यस यस. अगर उसका ग्राफ ऐसा गिरता हुआ होता, इसका मतलब यह है कि टाइम से जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्यू की वैल्यू लॉस होती जा रही है, इसका मतलब यह है कि जो हीट एनर्जी आप अंदर पास कर रहे हो वो हीट एनर्जी कहीं ना कहीं अंदर डिसिपेट हो रही है. कहाँ डिसिपेट हो रही है? तो आंसर इज कि उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने में डिसिपेट हो रही है. बट ऐसा ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली आपका क्यू टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, कहीं पर लॉस नहीं दिख रहा है. मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. This is how it is represented. And this is what is observed for good conductors. Bad conductors में आप वही देखोगे कि टाइम के साथ आपको Q का वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं मिलेगा. समझ में आ रहा है? समझा? So this is how you define ना कि dQ by dt means rate of flow of heat per unit time. एक unit time के लिए या एक unit interval के लिए जो rate of flow of heat है from a unit area and a temperature gradient of For a unit area and a temperature and a unit temperature gradient, अगर ये amount ज़्यादा है, means इसकी conductivity is good, ज़्यादा heat dissipate नहीं हो रहा है, जो rate of flow of heat है per unit time, वो बढ़ता जा रहा है, amount of heat flowing in a unit time बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब आपका heat loss नहीं हो रहा है, heat is not losing. Clear with the part? This is how it goes. समझे आपको? Clear? Yes. 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 So,
दिस इज हाउ यू डिफाइन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल. नाउ Q इज इक्वल टू K इंटू ए टी वन माइनस टी टू इंटू टी बाई एक्स. नेक्स्ट वॉट, इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो अगर आप समझना चाहो तो. Q इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट विच इज फ्लोइंग, K इज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग फॉर अ यूनिट कंडीशन. K जो होता है वो यूनिट कंडीशन के लिए कितना हीट फ्लो होगा वो बताता है. दैट इज वॉट इज कंडक्टिविटी, है या नहीं? ये यूनिट कंडीशन की ताकत बताता है ना. अब आप बड़ा एरिया ले लो, ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस ले लो, ज्यादा टाइम के लिए ऑब्जर्व करो और डिस्टेंस कम रखो. आपको क्या लगता है, ये पूरा कंडीशन अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको यूनिट के बारे में पता है, ये टोटल आपका बड़ा कंडीशन है, आप यूनिट कंडीशन को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी कि टोटल हीट कितना फ्लो होगा. आप नॉर्मली यही करते हो ना, आपको एक का प्राइस पता है कि 2 रुपए है, आपको किसी ने बोल दिया 10 पेन लिया है, तो आप सिंपली क्या करते हो, व्हाट यू डू? मल्टीप्लिकेशन. बराबर है? तो वैसे आपको यूनिट कंडीशन का पता है कि यूनिट कंडीशन में K is the amount of heat will be flowing, which will be flowing. अगर आपको बड़े कंडीशन का चाहिए तो आप ये सारे कंडीशन यहाँ पे डाल दो और एक यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल मिल जाएगा कि उस पर्टिकुलर बॉडी का टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितना फ्लो हो रहा है. समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा? सेम आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का भी है. R is equals to rho into L by, ये यूनिट की ताकत है. आप लेंथ और एरिया डाल दो, आपको टोटल बता देगा कि इतना बड़ा लेंथ है और इतना इस तरीके का एरिया है, एक यूनिट का इतना ताकत होता है. ये पूरा कंडीशन आपको ये बता देगा कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है. सेम इसी कंडीशन की तरह एक का आपको पता है, टोटल का आपको निकालना है, सिर्फ आपको वहां पे मल्टीप्लाई करके आपको टोटल की वैल्यू मिल जाएगी. एक की एक के अपोज करने की ताकत आपको पता है, यूनिट कंडीशन की अपोज करने की ताकत आपको पता है. आप ये डाल दो इसमें, इसकी वैल्यू डाल दो, वो आपको टोटल अपोजिशन की वैल्यू बता देगा. समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? यस यस यस. क्लियर हो रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं? यस यस. या फिर नेक्स्ट समझने का तरीका, ये जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग है ये एरिया पे डिपेंड करता है. ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि एक्सपेरिमेंटली, नॉर्मली आपका फिजिक्स दो तरीके से चलता है, इट वर्क्स इन टू वेज. ये जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग है ये ए पे डिपेंड करता है, टी वन माइनस टी टू पे डिपेंड करता है, टी पे डिपेंड करता है और एक्स पे डिपेंड करता है. ये ऑब्जर्वेशन में देखा गया. बट वॉट वॉज ऑब्जर्व कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो थियोरेटिकल वैल्यू आई वो मैच नहीं हो रही है, देर इज सम वैल्यू विच इज मिसिंग. उन्होंने एरिया बड़ा मटेरियल लिया, छोटा मटेरियल लिया, हर बार दे आर ट्राइंग टू टेक द सेम मटेरियल और उसका एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस और टाइम और ये चेंज करके देखा, और हर बार उनको एक कॉन्स्टेंट वैल्यू से थियोरेटिकल और फिजिकल वैल्यू जो है वो डिफर होती हुई मिली, इट वॉज डिफर्ड. तो उन लोगों को लगा कि एक ही मटेरियल के लिए मैं कभी एरिया बड़ा ले रहा हूँ, टेम्परेचर डिफरेंस दूसरा ले रहा हूँ, टाइम दूसरा ले रहा हूँ, लेंथ दूसरा ले रहा हूँ, फिर भी मुझे कंटिन्यूसली एक कॉन्स्टेंट वैल्यू ऐसी है जो मिसिंग आ रही है थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में. इसका मतलब यह है कि मेरी क्यू की वैल्यू किसी और चीज पे भी डिपेंड कर रही है. सो मेरी क्यू की वैल्यू जिस कॉन्स्टेंट वैल्यू से वो डिफर हो रहा है, दैट इज दिस के वैल्यू. और ये के वैल्यू जो है ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, ये मटेरियल पे डिपेंड कर रही है. इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द प्रॉपर्टी कि ये मटेरियल एक यूनिट कंडीशन में कितना हीट फ्लो करता है. फिर उन्होंने क्या किया, इस सबको यूनिट में लाया, एक यूनिट कंडीशन लिया, तो उन्होंने देखा कि दैट के जो कॉन्स्टेंट वैल्यू उनका मिसिंग हो रहा है, द अमाउंट ऑफ वैल्यू विच इज बींग मिसिंग इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन अ यूनिट कंडीशन. एक यूनिट कंडीशन में इतना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होता है. सो दैट इज व्हाट दे ऑब्जर्व कि ये जो के मटेरियल है, इट इज अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, ये मटेरियल का खुद का ताकत है, और ये जो बाकी की वैल्यूज है इट इज जस्ट इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस. सो इसलिए बार बार ये अमाउंट जो है मिसिंग आ रहा है. सो दिस इज ऑल्सो एन थियोरेटिकल ऑब्जर्वेशन. इस चीज के लिए आप ग्रेविटी का एग्जाम्पल लो. आपने 10th स्टैंडर्ड में एफ इज इक्वल टू जी इन टू एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर ये फॉर्मुला देखा था. न्यूटन ने पहले सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ये देखा था उसने कंडीशन. बट जब उसने फॉर्मूला बनाया तो उसने ये देखा कि उसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो थियोरेटिकल वैल्यू है फोर्स की वो सेम नहीं आ रही है, उन दोनों के बीच में जी अमाउंट का मिसिंग है. एंड जी की वैल्यू, यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, किसी को याद है? 6.67 10^-11.
6.67 into 10 raised to minus 11. आप जी को define कैसे करते हैं? How you define the जी? कैसे define करते हैं? इसको याद है? Gravitational constant. This is the name of a जी. आप जी define कैसे करते हो? How you define जी? It is the force exerted between the unit masses which are kept at 1 meter distance, unit distance away. है ना? मतलब ये वही force है जो दो बॉडीज के बीच में लगता है जिनका मासेस 1 यूनिट होता है और जो डिस्टेंस उनके बीच का होता है दैट इज 1 यूनिट और 1 मीटर स्क्वायर है ना. सो ये जो कांस्टेंट इज एक्चुअली द दिस कांस्टेंट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ फोर्स ओनली बट फॉर यूनिट कंडीशन. आप जब इसमें इस जी को इंट्रोड्यूस कर देते हो तो आपको यूनिट की वैल्यू आपको पता है, बाकी की कंडीशन आप लेकर सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देते हो. तो एक यूनिट का अगर इतना वैल्यू है तो बाकी की कंडीशन अगर इतनी है तो मल्टीप्लाई करके आपको टोटल मिल जाता है. दिस इज हाउ इट ऑलवेज वर्क्स. समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? yes. समझा? yes. इसका मतलब yes. ये जी ये चीज समझाती है कि एक यूनिट मास और एक यूनिट मास के बीच का 1 मीटर डिस्टेंस में इतना फोर्स जनरेट होना ही है. दिस विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स विच विल बी जनरेटेड फॉर 2 यूनिट मासेस विच आर केप्ट एट 1 मीटर डिस्टेंस अवे. तो एक यूनिट की ताकत ये बताता है कितना फोर्स एक यूनिट कंडीशन में क्रिएट करेगा ही करेगा. तो आपको यूनिट का कंडीशन यूनिट की वैल्यू मिल गई, आप अपने हिसाब से मास और या ये जो जी है ये किस हिसाब से मास और किस हिसाब से रेडियस पे वेरी करता है आप सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी कि टोटल फोर्स कितना है. सेम आपका एक पेन 2 रुपए का है, 10 पेन कितना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई करते हो, वही वाला कंडीशन है. सो आपको कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूनिट कंडीशन की वैल्यू देता है और जब आप बाकी की वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको टोटल की वैल्यू मिल जाती है कि टोटल फोर्स कितना होगा किसी दो मास के बीच में विच आर केप्ट एट आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आपको yes. समझ में आ रहा है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का काम क्या है, ये क्या करती है? होप यू आर क्लियर. कुछ क्लियर हो रहा है कि जहां पर भी आप कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करते हो उसका मतलब क्या है? वो यूनिट कंडीशन के बारे में आपको बताती है कि यूनिट कंडीशन में इसका अमाउंट इतना होगा. फिर टोटल कंडीशन के लिए आप नॉर्मली सारी वैल्यूज डालते हो और यूनिट कंडीशन से मल्टीप्लाई करते हो. इसीलिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बीच में प्लस या माइनस साइन नहीं आया है, मल्टीप्लिकेशन का साइन आया हुआ है कि एक यूनिट कंडीशन का क्वांटिटी इतना है, टोटल कंडीशन आप जो भी है वो सब्स्टिट्यूट करते हो, सिंपली उनको मल्टीप्लाई करते हो, यू गेट द टोटल अमाउंट कि कितना अमाउंट होगा. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? yes. So whenever you have to keep it in mind, whenever आप proportionality sign को हटाकर वहाँ पर equal to sign डालते हो, इसका मतलब यही होता है कि आपको ये पता चल गया, जैसे कि f is directly proportional to m1 m2 upon r square, आपको ये पता चल चुका है कि f जो है वो masses को directly proportional है, f जो है वो inversely proportional है, but आपको value नहीं पता चली है. अब value का पता चलती है जब आप एक unit की value लेकर ये condition से multiply कर देते हो. अगर यूनिट में इतना फोर्स क्रिएट हो रहा है तो टोटल में निकालने के लिए आप टोटल जो अमाउंट है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हो, यू गेट द टोटल फोर्स ऑफ द मटेरियल कि कितना टोटल फोर्स क्रिएट हुआ. तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डालने का मतलब ही यही है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूनिट की वैल्यू बताता है कि एक यूनिट कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या होगी और फिर आप टोटल से मल्टीप्लाई करके आप टोटल अमाउंट निकाल लेते हो. जैसे एक पेन का प्राइस 2 रुपए है, आपके पास 10 पेन है, आपने यहाँ पे 10 पेन का वैल्यू डाल दिया, 2 × 10 = 20, आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी कि 20 रुपीज. ओके, टोटल प्राइस इज 20 रुपीज. समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? यस यस यस. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये यूनिट, ये जो आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आज तक इंट्रोड्यूस करते आए हो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, व्हाट इज दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और क्यों इसको मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, व्हाई इट इज ऑलवेज अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी. मटेरियल चेंज कर दो उसकी यूनिट की कंडीशन चेंज हो जाएगी क्योंकि उसकी अकेले की ताकत हर एक अलग मटेरियल की, मेरी अकेले की ताकत, आपकी अकेले की ताकत, हर किसी के अलग अलग अकेले की ताकत अलग अलग होती है. ठीक है? हाँ, आप अपने अंदर और कितने लोगों को अपनी ताकत में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, दैट गिव्स यू द टोटल वैल्यू. क्या आप अपने जैसे ही कितने लोगों को अपने साथ ले रहे हो? एक पर्सन की वैल्यू, अगर समझो एक पर्सन का रोबोट मूवी में देखो, एक पर्टिकुलर पर्सन जो फर्स्ट रोबोट था उसके जितनी ताकत 10 लोगों की है, तो उसकी अकेले की जो ताकत है दैट गिव्स द रेजिस्टिविटी, बट उसने अपने जैसे 10 क्रिएट कर लिए हैं, तो आप सिंपली क्या बोलोगे कि भाई उसके पास तो 10 टाइम्स ताकत है. उसकी खुद की ताकत अगर 10 की है तो उसने अपने जैसे 10 और क्रिएट कर लिए हैं, सो 10 × 10 उसके पास जो ताकत है वो 100 टाइम्स हो चुकी है.
समझ में आ रहा है? यहाँ पर आप कैसे डिफाइन करते हो? स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रोबोट्स. ओके, अब एक प्रोपोर्शनलिटी साइन ये बताते हैं कि जितने नंबर ऑफ रोबोट्स होंगे स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती जाएगी. बट स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू एक रोबोट की एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में डाल रही हूँ. एक रोबोट का ताकत इज 10, वन यूनिट का ताकत इज 10, नंबर ऑफ रोबोट मेरे पास 10 है तो आपको टोटल की स्ट्रेंथ मिल जाएगी. ओके, इट इज 100. समझ में आया मैंने क्या कहा? 100. यस. सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालने का मतलब ही है कि आपको यूनिट कंडीशन का अमाउंट पता चलता है, फिर आप बाकी के वैल्यूज डाल के आप टोटल वैल्यू निकाल लेते हो. दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी गिव्स यू द कंडक्टिविटी ऑफ अ यूनिट कंडीशन. आप जब पूरी वैल्यू डाल देते हो तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ हीट वो कितना फ्लो कर सकता है, उसकी कितनी अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करने की ताकत है, आपको टोटल ताकत मिल जाती है. समझा? क्लियर विद द कंसेप्ट? यस एवरीवन. यस, नाउ लेट्स कंपेयर टू द ओम्स लॉ. अब देखो, क्यू इज इक्वल्स टू के टी वन माइनस टी टू इंटू टी बाई एक्स. एक तरीका तो हमने ये देख लिया, Q बाई टी को हमने यहाँ लाया, K इंटू ए टी वन माइनस टी टू. अभी हमने इसको डेरिवेट किया था तो हमको एक नया फॉर्म मिला था, डी क्यू बाई डी टी के. क्या आएगा बताओ जरा, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? डी टी बाई डी एक्स. सो हमने K को यहाँ से एक अलग तरीके से डिफाइन किया था, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ पर यूनिट एरिया एंड for a per unit gradient. So this is the way in which I define the conductivity. Dusra, now I'm comparing it with Ohm's law. Q by T is equals to K into A T1 minus T2 into T, upon X. Ab main bol rahi hu, this is Q by T, which is known as power of the conductor. This is K into A T1 minus T2 by X. Let's compare it to the Ohm's law. ओम्स लॉ से कंपेयर करते हैं इसको. ओम्स लॉ में V इज इक्वल्स टू आई आर होता है. V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज Q बाई टी. आई का मतलब होता है चार्ज. दिस इज हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दिस इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. दोनों अलग है, सिर्फ दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, इसीलिए हम लोग इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. इनकी एनालॉजी काम करने की सेम है. अब कैसे सेम है वो देखो. दोनों की प्रॉपर्टी कैसे सेम है वो देखो. लेट्स कंपेयर इट. एक मिनट रुको. ओके, नाउ यहां पे ध्यान दो. अगर टेम्परेचर डिफरेंस जीरोथ लॉ, अगर टेम्परेचर डिफरेंस एक्सिस्ट करता है तो ही चार्ज होगा, चार्ज फ्लो होगा पर यूनिट, हीट फ्लो होगा पर यूनिट टाइम. If there exists a temperature difference, then only the heat will flow per unit time. मानते हो? Temperature difference हुआ तो ही heat flow होगा? Yes. Same. यहाँ पर जब potential difference होगा, तभी charge per unit time flow होगा. That is current बनेगा. Clear? Yes. Yes. So वहाँ का temperature difference result कर रहा है आपके heat flow per unit time में. और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस रिजल्ट कर रहा है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. एक जैसी एनालॉजी है. टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो हीट फ्लो होगा पर यूनिट टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो चार्ज फ्लो होगा पर यूनिट टाइम. मतलब दोनों का काम करने का तरीका सेम है. वहां पर जो काम टेम्परेचर डिफरेंस कर रहा है वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस. समझा? नेक्स्ट इज आगे बढ़. नाउ यहाँ पर दिस इज हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, जिसको हमने पावर ऑफ द कंडक्टर बोल दिया. यहाँ पर हीट फ्लो पर यूनिट टाइम इज चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज करंट. ओके, नाउ लेट्स कंपेयर इट मोर. थोड़ा और देखते हैं. क्यू बाई टी इज इक्वल्स टू के इंटू ए टी वन माइनस टी टू बाई एक्स, एंड हियर इट इज वी बाई आर is equals to I, and I is your charge flowing per unit time. ठीक है?
मतलब यहाँ पर ये पावर और यहाँ पर ये आय, दोनों एक ही चीज, दोनों एक ही जैसे काम करते हैं. सो फैक्टर इज इक्वल्स टू के इन टू ए टी वन माइनस टी टू बाय एक्स एंड योर आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर. अगर मैं दोनों की एनालॉजी कंपेयर करूँ, इफ आई कंपेयर दिस, सो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस इज एक्चुअली वॉट, वट इज द टेम्परेचर डिफरेंस? टेम्परेचर डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये पार्ट किसकी तरह काम करेगा, इसकी तरह रेजिस्टेंस. सो 1 by r is equals to k by x. या अगर r के टर्म्स में बात करूं तो r is equals to x by x k. By k. मतलब यहां पर जो काम रेजिस्टेंस कर रहा है वो काम ये x by k a कर रहा है. जो काम यहां पर r कर रहा है v is equal i is equals to v by r में जो काम आपका r कर रहा है वही काम यहां पर कौन कर रहा है? x by k. x by k is actually resistance of the material. X by k is resistance of material. But ये कौन सा resistance है? ये x by k कौन सा resistance है? Thermal resistance. Thermal. और ये वाला जो r है ये कौन सा resistance है? ये वाला r कौन सा resistance है? It is electrical one. Electric. हम electrical one को thermal के साथ compare कर रहे हैं. जैसे electrical one में power of the conductor is working like a current. T1 minus temperature difference is working like a potential difference. And so x by ka, k by x kyun nahi liya? Kyunki it is 1 by r. So x by ka is actually working like what? It is working like electrical resistance. Your x by ka is your thermal resistance. Ki aapka material kitna oppose kar raha hai. अब जरा एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, ये R is equals to 1 by K X by A ऐसा है. 1 by K क्या होता है? What is 1 by K? 1 upon conductivity. 1 upon conductivity is what? Conductance. Oh, no. Resistivity जो होता है that is 1 by conductivity. आपका जो resistivity होता है that is 1 by conductivity. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वो दोनों एक दूसरे को. 1 बाय कंडक्टिविटी इज योर रेजिस्टिविटी. हाँ या ना? ये पढ़ा है कि नहीं? यस यस यस. योर रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब ये 1 बाय के है, ये एक्चुअली में आपका क्या है? इट इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. रेजिस्टेंस जैसा ही फॉर्मूला बन गया क्या? आर इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय एरिया. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी तो यही होता है ना, R is equals to resistivity into L by A. मतलब जिस तरीके से आपका electrical condition काम करता है, उसी तरीके से आपका thermal condition भी काम करता है. Same तरीका होता है. Analogy दोनों की काम करने की same होती है. तरीके दोनों की काम करने के same होता है. वहाँ पर भी conductivity होती है, यहाँ पर भी conductivity है. वहाँ की conductivity amount of charge flow बताती है, यहाँ की conductivity amount of heat flow per unit time बताती है. वहाँ का resistivity अपोजिशन टू द चार्ज बताता है, यहाँ का रेजिस्टिविटी अपोजिशन टू द हीट फ्लो बताता है. दैट्स ऑल, यही डिफरेंस है. वरना एनालॉजी दोनों का काम करने का तरीका सेम है, दे हैव द सेम वे, इसीलिए दोनों का इक्वेशन एक जैसा आया हुआ है. 1 by k इज कंडक्टिविटी एंड 1 by k का मतलब होता है रेजिस्टिविटी. 1 by k, 1 by कंडक्टिविटी इज योर रेजिस्टिविटी. तो आपका फॉर्मूला ही बन गया r is equals to rho into x by a. और ये फॉर्मूला सिमिलर टू किसके फॉर्मूला के है? दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू द फॉर्मूला ऑफ resistance of electrical conductor. जैसा electricity में formula आता है वैसे ही आपका thermal में आया हुआ है formula. कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? Yes, yes. Yes. So thermal resistivity can be defined as amount of opposition to the heat flow. अगर simple सा फंडा है, thermal resistivity oppose करने की ताकत ज्यादा है heat flow को, तो वो good conductor होगा या bad conductor होगा? If it is good conductor. It will be good conductor or bad conductor? बोलो. बैड कंडक्टर. बैड कंडक्टर. बैड बैड. दिस इज हाउ इट वर्क्स. ये आपका एनालॉजी क्या है? एक शॉर्ट लास्ट का पार्ट का एक शॉर्ट रिवीजन ले रही हूं, जरा ध्यान से देखो. एनालॉजी और सिमिलैरिटी बिटवीन ओम्स लॉ एंड थर्मल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इट इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू IR. थर्मल कंडक्टिविटी में इट इज गिवन बाय
Q by T is equals to K into A T1 minus T2 by X. अगर इस अब यहाँ पर जिस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी आई फ्लो होगा. When there will be potential difference, there will be production of current. उसी तरीके से जब temperature difference होगा तभी heat flow होगा. So यहाँ पर when there is a temperature difference, there will be a heat flow. That is Q by T. ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म ऑल्सो. अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो कैसे लिखूंगी मैं? Q by T into X by K A is equals to T1 minus T2. अब जरा देखो यहाँ पर T1 minus T2 is similar to V. Q by T is similar to I. And X by KA is similar to R. समझ में आ रहा है? Yes. समझा? Yes. Q by T is similar to I. That is charge for flowing per heat flowing per unit time is similar to charge flowing per unit time. X by KA is similar to resistance. And temperature difference is similar to potential difference. जैसे potential difference होता है तो current flow होता है. वैसे ही जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हीट फ्लो होता है पर यूनिट टाइम. और बीच में यहां पर दिस इज रिसेम्बलिंग द रेजिस्टेंस. सो आर इज सिमिलर टू एक्स बाय के ए. मैंने अभी आपको बताया वन बाय के क्यू इसको रेजिस्टेंस बोला. क्यूटी इज वन अपॉन के. ये वन अपॉन के बराबर है और वन अपॉन के का मतलब ही होता है रेजिस्टिविटी. तो आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एक्स बाय. ये फॉर्मूला आपने पीछे भी रेजिस्टेंस के लिए देखा है. इलेक्ट्रिकल कंडीशन आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ये फॉर्मूला देखा है. R is equals to rho into L by A. So this is your thermal resistivity या थर्मल रेजिस्टेंस. थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब होता है हाउ मच अपोजिशन इट इज क्रिएटिंग टू द हीट फ्लो. अगर ज्यादा अपोजिशन क्रिएट कर रहा है हीट फ्लो को टेम्परेचर डिफरेंस होने के बाद भी मीन्स इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर. अगर कम अपोजिशन क्रिएट कर रहा है टेम्परेचर डिफरेंस होने के बाद मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर. दैट्स ऑल. होप आपको समझा है हाउ वी आर कंपेयरिंग इट टू ओम्स लॉ एंड हाउ इट इज लुकिंग लाइक ओम्स. यस. कैसे वो ओम्स लॉ की तरह काम करता है. यस मैम. कोई प्रॉब्लम है? नो मैम. नो मैम. नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू. कितना टाइम बाकी है? टाइम इज ओवर. ठीक है, आपको कल इस चैप्टर के सम्स 3 टाइम्स प्रैक्टिस करके आने हैं. और आज तो रह गया